वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बिल्कुल नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब सारे के सारे बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस वन स्टूडेंट, दे आर मच मोर फैमिलियर विद दैट यूनिट, क्योंकि काइनेमेटिक्स नाइन्थ के अंदर थी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने सारा कुछ पढ़ रखा है ना। तो थोड़ा सा बस इसको आप ध्यान देते रहेंगे, थोड़ा सा हल्का सा। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो एज इट इज तुम्हारा नाइन्थ में था वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जब कॉम्पिटिशन लेवल पे आएंगे तो उसी से होगा रिलेटेड। बहुत ही आसान से यूनिट है, इजी गोइंग समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक्स। इन फैक्ट काइनेमेटिक्स है क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, बहुत छोटा छोटा पॉइंट। जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करता हूँ, एक मैकेनिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया तीन ब्रांचेस के अंदर। देखिए मेरे बच्चे, एक तो हमारी आती है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स जो ये आपके सिलेबस में है, और दूसरा हमारा है डायनामिक्स। एक और पॉइंट आता है हमारा स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर हम बात करते हैं, उसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज इट इज एट रेस्ट। तो स्टैटिक्स की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें भी हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस। बिना कॉजेस भाई मोशन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, किस कॉज के कारण हो रहा है। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और इसमें क्या है, अगर आप इसकी बात करें तो आप क्या कहते हो कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कंसिडरिंग इट्स कॉजेस, विथ कंसिडरिंग इट्स कॉजेस। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे हम, उसके बारे में बात करें। काइनेमेटिक्स सबसे पॉइंट हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है और फिर कहते हैं बॉडी हमारी क्या है मोशन। तो पहले मैं रेस्ट और मोशन की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा रेस्ट या मोशन। जब भी हम किसी भी बॉडी के पोजीशन की बात करते हैं, चाहे रेस्ट में या मोशन में, तो किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। हम यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, आप उससे फैमिलर हैं, सारे बच्चे फैमिलर हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेस कर सकते हैं, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज माय डियर जेड, ठीक है। अब मान लो आप यहां पे हैं, कोई पार्टिकल यहां पे है, कोई पर्सन यहां पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था, वेक्टर के अंदर पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका
टेल और हेड पॉइंट आउट करेगा जो इसकी पोजीशन है। मान लो ये आर वेक्टर है, समझ गए? तो आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, पोजीशन वेक्टर, वो आर वेक्टर क्या होगा बेटा? एक्स, मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स आई कैप याद करो, वाई जे कैप और जेड ए कैप, ये पोजीशन है इसकी, समझ गए? अब हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो हमारा रेस्ट में होगा कब? जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज ना हो, टाइम के रेस्पेक्ट में भी इसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो हम कहते हैं इफ। रेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, रेस्ट का मतलब इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, does not change it with respect to frame and with respect to time, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो किसमें है? रेस्ट में। मिस टाइम के रेस्पेक्ट में ना तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, ना वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, ना z की। इनमें से अगर कोई भी एक भी वैल्यू चेंज हो गई तो आप क्या कहेंगे? पार्टिकल हमारा मोशन में है, बॉडी हमारा मोशन में है, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। बात समझ में आ रही? तो इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन एट रेस्ट। बात समझ में आ गई? रेस्ट में कब कहेंगे? लेकिन मेरे बच्चे, अगर हम मोशन की बात करते हैं, अगर हम मोशन की बात करें तो क्या कहेंगे? If position of particle changes with respect to time and frame, तो object क्या कहलाएगा? किसमें कहलाएगा? That is in motion। बात समझ में आ गई? कब रेस्ट में होगा, कब मोशन में। एक्स चेंज हो या वाई चेंज हो या जेड चेंज हो, कोई भी एक वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कराएगा? मोशन। नेचुरल सी बात है, जैसे मान लो पार्टिकल हमारा यहाँ पे था ए, और अब पार्टिकल ये कहाँ आ गया हमारा? मान लो बी पे आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तो पोजिशन वेक्टर भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो r डैश क्या होगा मेरे बच्चे? x डैश i कैप, y डैश j कैप एंड z डैश k कैप। अब पार्टिकल a से हमारा कहाँ गया? b पे आ गया, इट मींस इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो पार्टिकल किस में हो गया? हमारे मोशन में। बात समझ में आ गई? अब एक पॉइंट हमारा और आता है मेरे बच्चे, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होगा और मोशन में भी होगा, तो जरा समझना इस चीज को। हम रेस्ट एज वेल एज मोशन की बात करते हैं, यहां पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, तभी आएगी। देखिए बेटा, रेस्ट एंड मोशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मान लो एक कार्ट है जो मूव कर रही है बी वेलोसिटी से, दिस इज ए दिस इज बी, दोनों कार्ट के अंदर, लेकिन ग्राउंड रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो यहां पे एक बंदा है जो सी है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब देखिए, मान लो ए की पोजीशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी और विद रिस्पेक्ट टू सी, तो दोनों में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बेटा? कि मोशन ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी। ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? क्यों भाई? अगर आप दो बंदे ट्रेन में हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। लेकिन सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जो मोशन होगा हमारा ए का विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हमारा क्या आएगा? दैट इज मोशन। तो ए के पार्टिकल की देखो पोजीशन है, अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो रेस्ट में आ गया, और अगर ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो किसमें आ गया बेटा? तो अब ए का जो पोजीशन है ए को क्या कहेंगे? रेस्ट में भी कह सकते हैं और मोशन में कह सकते हैं। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो बहुत छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं इनको आप समझें। बिल्कुल नाइन्थ से मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आप ये नहीं कर सकते, थोड़ा आपने हाई लेवल पर स्टार्ट किया। देखिए जरा यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात है। बहुत आसान से पॉइंट्स, आप सभी फैमिलियर है ना, आपको पता है बेटा डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक फ्रेम है y, दिस इज x। अब मान लो पार्टिकल की पोजीशन a है, r1 मान लेते हैं, और दूसरी क्या है? दैट इज r2, b पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल आसान से समझ जाएगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये भी कितने पाथ दिखा दिए मैंने, देखिए 1, 2, 3 and 4 चार पाथ दिखा दिए मैंने ए से बी तक, समझे? तो अब सभी पाथ की लेंथ अलग अलग है ना, बात समझ में आ रही? तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ। बात समझ में आ गई? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, अब देखिए तो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो पहले मैं डिस्टेंस को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। आपने कहा कि एक्चुअल पाथ लेंथ है ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, हम इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज। तो डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। मींस सबसे पहला पॉइंट, एक तो आपको मैं बता देता हूं जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है? दैट इज माय डियर स्केलर। दूसरा पॉइंट जो निकलता है इंपॉर्टेंट, बिटवीन टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
बिटवीन टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस हमारी है हैज मेनी वैल्यूज. डिस्टेंस जो हमारी है बहुत सारी वैल्यूज दो पोजीशन के बीच, जैसे S1 भी हो सकती है, S2 भी हो सकती है, S3 हो सकती है, S4 हो सकती है. बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो एंड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव. बात समझ में आ रही? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ये किसके बारे में है? ये सारे के सारे हमारे किसके बारे में है? डिस्टेंस के बारे में. कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताया गया होगा आपको, ठीक है? डिस्टेंस की दो पोजीशंस के बीच बहुत सारी वैल्यू हो सकती है. दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी, या ऑलवेज क्या होगी हमारी? पॉजिटिव होगी. एक पॉइंट और ध्यान देना, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस With respect to time. ये बात समझ पा रहे? जैसे मैं आपसे कह देता हूं, जैसे हमने एस टी ग्राफ लिया, तो कभी भी आप ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते. क्यों? टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी. डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, घटेगी नहीं. तो आप कह सकते हैं ये नॉट पॉसिबल. जैसे मैं आपको ऐसे दिखा दूं, दिस इज एस, दिस इज टी, और आपने ये दिखा दिया, तो ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग. ये भी नहीं है, ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग. रीजन क्या है? ये पॉसिबल क्यों नहीं है दोनों ग्राफ? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी मेरे बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज नहीं होते. क्या लिखा? डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मींस टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी. बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, वो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा होगा? बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, देखिए मेरे बच्चे, आपने कहा हमने एक फ्रेम लिया, पार्टिकल यहां था पहले, फिर पार्टिकल यहां पे आए, तो दिस इज पोजीशन R1 एंड दिस इज R2, ओके? A से B है, तो जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. जैसे हम डेल्टा R, तो ये जो पॉइंट हमारा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. समझना, मींस डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन. बात समझ में आ गई? अब मिनिमम तो डिस्टेंस एक ही हो सकती है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कहो या आप इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहें. दिस इज व्हाट? शॉर्टेस्ट
डिस्प्लेस। बात समझ पा रहे हैं संस्कार? अब जैसे डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, मान लो इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या है हमारे x1 y1 है और इसका हमारा क्या है x2 y2, तो r1 क्या है बेटा, बोलिए मेरे बच्चे, x1 i कैप y1 j कैप और r2 बेटा क्या है, x2 i कैप y2 j कैप। अरे यही होगा, अरे x i कैप y क्या होता है हमारा, j कैप होता है। तो बेटा यहां पे हम ट्राइंगल्स का वेक्टर एडिशन लगा दें, ट्राइंगल्स ला तो क्या आया बेटा, सेम ऑर्डर वाले जोड़ दो, ये किसके बराबर होगा, अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। अब कह सकते हो जो डेल्टा आर होगा मेरे बच्चे आर टू माइनस क्या होगा आर, अब चाहो तो इसको निकाल सकते हैं, तो डेल्टा आर क्या है मेरे बच्चे x2 i कैप y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब कह सकते हैं यहां से x2 माइनस x1 i वाले एक तरफ कर प्लस y2 माइनस y1 j कैप, कह सकते हैं सिंपल सी बात है, तो डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप is delta। तो ये हमारा क्या है, this is what displacement vector, is that clear? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो displacement हमने कहा चाहे minimum distance between two position की बात करें या हम shortest distance between two position की बात करें, ये displacement है। अब इसकी कुछ characteristics हैं जिनको हम discuss कर लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान देना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें x से इंडिकेट करते हैं तो पहली बात तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया बेटा, हमेशा x को एरो लगाएंगे। सेकंड मेरे बच्चे देखिए, दो पोजीशन के बाद के बीच मिनिमम डिस्टेंस एक हो सकती है, डिस्टेंस बहुत सारी होती थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक होगी। इट मींस बिटवीन टू पोजीशंस इट हैज ओनली वन वैल्यू, बात समझ में आया, इट हैज ओनली वन वैल्यू मींस दिस इज हम कहते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम, सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम, ये कौन है मेरे बच्चे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एक और दो, ठीक है। अब बहुत आसान है, अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चे ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ये सारी वैल्यूज क्या है हमारी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक क्या है बेटा, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट विद इंक्रीजिंग टाइम में इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने दो चीजें जो डिस्कस की हैं, डिस्टेंस की बात की और हमने किसकी बात की है, डिस्प्लेसमेंट की। अब इसमें हम कुछ और भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जरा ध्यान देना।
जैसे मैं बात करता हूं डिस्टेंस एंड स्पेस, देखिए मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक हम सेमी सर्कुलर पाथ लेते हैं आर रेडियस, ओके, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगी, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है टोटल 2 पाई आर होती है, अगर हम पूरा लें 2 पाई आर, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पाई आर, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा मेरे बच्चे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल, वो तो यही आएगी ना, ये भी और ये हमारा होगा। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, अगर मैं यहीं पे बात कर लेता इन वन सर्कुलर पाथ या कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ, तो क्या करते मेरे बच्चे, ये ले लिया आर रेडियस है, ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो गया क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे आ गए, पॉइंट है, बट जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी मेरे बच्चे, दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो चाहे वन की बात करें या सेमी सर्कुलर पाथ की बात करें, तो ये तो हमारा कुछ एग्जांपल की बात की थी, और थोड़े से एग्जांपल्स देते हैं, देखिए एक टावर है एच हाइट, आपने यहां पे खड़े होके एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, क्या होगा, नेचुरल सी बात है बॉल कहां जाएगी, अब देखिए यहां ये बेटा बॉल की पोजीशन है, ऐसे जाएगी, तो अगर हम देखते हैं यहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो ये एक्स हाइट तक गई और फिर वापस आई, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, देखिए अगर हम इसको ओरिजिन ले लें, इस पॉइंट को क्या ले लें, ओरिजिन, तो ये प्लस वाई और नीचे वाला क्या होगा माइनस वाई, तो यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जहां से फेंका वही गिरे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप देख लो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा माइनस एच आ गया, लेकिन जो डिस्टेंस आई वो कितनी है बेटा, एक्स गया एक्स आया और फिर एच, तो क्या होगा हमारा x plus h means 2x plus h, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एक और हम एग्जांपल देते हैं मेरे बच्चे, जैसे मैं एक ये सर्कुलर पाथ है और हम कहते हैं पार्टिकल a से b तक गया सिर्फ ये, तब क्या करोगे, ये इसका सेंटर ये इसका रेडियस, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, अगर हम इसको एक्स माने तो ये भी क्या होगा एक्स, तो एंगल इज इक्वल टू, पहले मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा बेटा,
एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगल कितना है 2 थीटा, आर्क बाय रेडियस, तो आर्क एबी बाय रेडियस, तो एबी कितना हो जाएगा 2 थीटा आर। ये डिस्टेंस है मेरे बच्चे, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो ये लिया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया दैट इज 2x, लेकिन हम x की वैल्यू कहां से लाएंगे, ये ट्राइंगल ले ले, अरे ये ट्राइंगल ले ले, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपो साइन थीटा x अपॉन r, तो x कितना हो जाएगा r साइन थीटा। तो बेटा यहां पे क्या हो गया हमारा ट्वाइस r, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। तो बेसिक चीजें जो मैंने डिस्कस की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो आपने देखा यहां पे कि इस तरीके से हम वैल्यू को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट आज इतना ही रखेंगे हम इस लेक्चर के अंदर, हाफ एन आवर का लेक्चर डालते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।